तुहानू पता के पंजाब दे किसानां ने अपनी मंगां ली बंद हो गया जी माइक अपनिया मंगा लई धरना जड़ा लाया सीगा अज दुपहरे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान अज दोपहर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान पंजाब दी जथेबंदियां ते किसान लीडरां दे आगुआं दी पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच तीन घंटे मीटिंग हुई है और मीटिंग बहुत वधिया माहौल दे विच हुई है। बहुत गल्लां किसानां नूं पुचकण वास्ते बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां तय कीतियां बहुत सारी विचार चर्चा हुई है पर जिहड़ियां अज दे धरने दे नाल संबंधित कुछ मंगां सीगियां उन्हां नूं मन्निया गया। कुछ मंगां जिहड़ियां अगले दिनां दे विच किसानां दीआं जिहड़ियां उह हल होणगीआं। पहलां ते जिहड़ा झोने दी लवाई दा समां सीगा उह मान साहब ने 14 जून ते 17 जून जिहड़ा कर दित्ता पूरे पंजाब नूं दो जोनां दे विच जिहड़ा वंडिया जाऊगा। किसान लीडर जिहड़े आ उह दो जोन बना के देणगे और जिहड़ा बार्डर एरिया और सेम वाला एरिया और जिहड़ा दरियावां दे कंढे वाला एरिया इत्थे झोने की लवाई जिहड़ी आ 10 जून तो शुरू हो जूगी। और दूजा जिहड़ा किसानां दी लंबे समय तो मंग सीगी मूंगी दे उत्ते MSP जिहड़ी है उह अज उहदा नोटिफिकेशन कीता गया घटो घट जिहड़ी 7275 रुपये जिहड़ी मूंगी दा रेट जिहड़ा उह तय कीता गया उहदा नोटिफिकेशन करके उहदियां मंडियां तय करके जिहड़ियां उह किसान लीडरां नूं दित्तियां गईआं। तीसरी गल किसानां दी मंग सीगी कि मक्की ते बासमती दे उत्ते MSP होनी चाहीदी है क्योंकि सेंटर दे नाल मसला इहदे वास्ते मुख्यमंत्री जी ने कल हिंदुस्तान दे गृह मंत्री अमित शाह जी दे नाल मीटिंग तय कीती है। 3:15 बजे कल दिल्ली दे विच मीटिंग होगी उहदे विच दो चीजां भी तय होणगीआं ते तीजा जिहड़ा ऐलकां मौसम खराब होण करके जिहड़ी कणक दी जिहड़ा कणक दा भार घटिआ उहदे लई किसानां नूं जिहड़ा बोनस देण दा उह वी कल दिल्ली दे विच मान साहब जिहड़ा उह तय करनगे। और चौथी जिहड़ी है पंजाब दे अंदर तय कीता कि जिहड़े किसानां दे सिर ते कर्जे आ किते वी हुण साडी सरकार दे सहकारी विभाग दे बैंकां दे कोई वी कुरकी वारंट जिहड़े आ उह किसानां दे नहीं निकलणगे ना ही किसानां नूं कितें गिरफ्तार कीता जाऊगा। और पंजवीं जिहड़ी किसानां दी मंग असीं तय कीती है मान साहब दी सरकार ने पिछले 1 तरीक तो जिहड़ा पंजाब दे अंदर शामलाट पंचायती जीव जमीनां दे उत्ते लोकां दे नजायज कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम शुरू कीती है उहदे अंदर किसान आगूआं ने एक सुझाव दिता सीगा कि कुछ आबाद कर जिन्हां ने जमीनां आबाद कीतियां सीगियां ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਹਿਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ
किसानों ने कहा कि साडा जिहड़ा मतलब गन्ने का बकाया रहिंदा सीगा वह भी उन्होंने हदायतां करतियां मान साहब ने अपनी गौरमेंट का कुछ सहकारी मिलों का रहिंदा सीगा वह भी तो प्राइवेट मिलों को लैण लई भी उन्होंने तय किया। एक जिहड़ा उधर मुकसर ते फाजिलका दे एरिए विच पानी चुकन ते जिहड़ा ट्यूबवैल का जिहड़ा वाधा हुंदा उत्ते भी मान साहब ने कहा कि असी इत्थे बैठ के विचार करांगे क्योंकि पहला साडे कोई मसला कदी आया नहीं गा। सो ये अज मसले जिहड़े बचारे आ और मान साहब ने जिहड़ी पंजाब दे किसानां नूं गल कही है वह बड़ी कीमती है। उन्हें कहा मैं साधारण किसान का पुत है ताडे वर्गा मैं खेती करता रहा अजे मैनू 2 महीने के करीब ही होया सरकार बनी नूं मैनू थोड़ा टाइम दिओ। किसानों ने कहा किसान मान साहब कर्जा बहुत है किसानों के सिर ते ते मान साहब ने कहा कि मैं जिहड़ी आ कर्जा माफी नहीं मैं चाहना कि मेरी सरकार कर्जा मुक्ति करे बस मैनू थोड़ा टाइम दिओ ते टाइम दे के मैं सब मसले जिहड़े किसानों के वह हल करूंगा। बस मैं ये तुहानू कहना आया सीगा।